के रक्षक, देश को आगे बढ़ाने वाले, देश को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने वाले हम सबके मसीहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस विजय के अंदर मूल आधार इस विजय का जो है, ऐसे हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी मंचस्थ नेता स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाइए। आपका जोश बता रहा है, कृपया बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से कि वो आए और हम सबके नेता पार्टी को हर विजय की ओर बढ़ाने वाले, हर विजय के मूल आधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस विशाल विजय सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ नेता और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए, जोश से भरे हुए, ओतप्रोत होते हुए विजय के इस सभा में अपना योगदान करने के लिए दूर दूर से आए आप सब की ओर से और मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, साथ ही साथ गुजरात की जनता, गुजरात के कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता जो इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में लगे, उन सबको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। यह हम सबके लिए खुशी की बात है और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जब हम गुजरात के नतीजे देखते हैं तो आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह जीत हासिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। इस प्रचंड जीत ने, इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है और वह है विकासवाद, विकास की कहानी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। हम जानते हैं कि विकास के साथ साथ कल्याणकारी नीति गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उन सब के लिए जो आपने नीतियां बनाई, जो आपने कार्यक्रम बनाए, जो उनके दुख दर्द को समझा, जो उनके आंसुओं को पोंछने का आपने काम किया, उस गरीब के घर में रोटी मिल सके इसकी व्यवस्था की, उसके घर में अच्छा सा शौचालय हो जाए और वो जीवन इज्जत के साथ जी सके, इसलिए यह परिवर्तन आपने ला करके दिखाया है।